हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू हिंदी कोर्स। लेट अस बिगिन क्लास सेवेंथ हिंदी आमोदनी लेसन मालगुडी डेज। अनुवादित कथा इसमें आप पढ़ेंगे। कहानी में एक कहानी लिखी गई है आर के नारायण द्वारा। तो अब आप कहानी पर ध्यान दीजिए। एक तरफ सूखे होठ, सूखा गला, स्याही से रूंगी उंगलियां और दूसरी तरफ परीक्षा खत्म होने की खुशी के साथ स्वामी अंतिम दिन परीक्षा भवन से बाहर निकला। बाहर खड़े होकर उसने हॉल के पीछे हॉल पर नज़र डाली और थोड़ा बेचैन हो गया। अगर सभी लड़कों ने उसकी तरह 20 मिनट पहले अपनी उत्तर पुस्तिकाएं दायद अच्छा महसूस होता। राजम दूसरे नौसंदान के नीचे बैठा था और मशीन की तरह कलम चलाए जा रहा था। मटर सीट से पीठ टिकाए अपने उत्तर दोहरा रहा था। एक अध्यापक कुर्सी पर ऊँग रहे थे और दूसरे अबूझ दृष्टि लिए एक सिरे से दूसरे सिरे तक टहल रहे थे। लिखने की रगड़ और कागजों की खड़खड़ाहट की आवाज़ें चुप्पी भरे हॉल से आ रही थी। स्वामी को लगा कि उसे इतनी जल्दी बाहर नहीं आना चाहिए था, लेकिन वह हॉल में और कैसे रुक सकता था। तमिल का पेपर 5 बजे तक चलने वाला था। उसने आखिरी सवाल की आखिरी पंक्ति 4:30 बजे तक लिख ली थी। 6 प्रश्नों में से पहला प्रश्न उसे संतोषजनक रूप से किया था, दूसरे के बारे में उसे संदेह था, तीसरा ठीक था और चौथे के बारे में उसे साफ पता था कि वह गलत है, लेकिन उसे सही उत्तर का भी पता न था। 6ठा उत्तर सबसे अच्छा था। इसका उत्तर देने में उसे 1 मिनट लगा था। प्रश्न था, ब्राह्मण और शेर की कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। एक ब्राह्मण नदी के किनारे से गुजर रहा था। दूसरे किनारे से एक शेर ने उसे आवाज़ लगाई और उसे सोने की चूड़ी देने की बात कही। ब्राह्मण ने पहले तो चूड़ी लेने से मना कर दिया, किंतु जब शेर ने अपने को भोला भाला और सच्चा बताया तो ब्राह्मण पानी में तैरकर उसके पास आ गया। इससे पहले कि वह सोने की चूड़ी लेने के लिए हाथ बढ़ा था, वह शेर के पेट में पहुंच गया। स्वामी को यह फैसला करने में 1 मिनट लगा कि कहानी की शिक्षा यह है कि जब शेर सोने की चूड़ी दे तो हमें नहीं लेनी चाहिए, या सोने की चूड़ी का प्यार आदमी की जान ले लेता है। उसने दूसरे जवाब में अधिक शिक्षा देखी और उसे लिख दिया। उसे समय काटना मुश्किल लगा। पेपर 3 घंटे के बजाय 2.5 घंटे का क्यों नहीं रखा गया। उसने देखा कि एक अध्यापक उसे ध्यान से देख रहे थे। उसने तुरंत उत्तर पुस्तिका में व्यस्त होने का बहाना किया। उसने सोचा कि ऐसा करते हुए वह उत्तर पुस्तिका को थोड़ा दोहरा भी सकता है। फिर पन्ने उलटते हुए आखिरी सवाल के जवाब पर नज़र गड़ाई, उसे दोहराने का बहाना करना पड़ा। उसने ये सोचते हुए फिर दीवार की घड़ी को देखा कि शायद अब 5 बज गए होंगे, किंतु 4:30 के बाद 10 मिनट ही बीते थे। 2-3 लड़कों को पेपर देते और बाहर जाते हुए देखा तो वह बहुत खुश हुआ। उसने जल्दी से पेपर के फ्लैप पर सुंदर मोटे अक्षरों में लिखा, तमिल WS स्वामीनाथन, फर्स्ट फॉर्म ए सेक्शन, एल्बर्ट मिशन स्कूल, मालगुडी, दक्षिण भारत, एशिया। घंटी बजी। टोलियों में लड़के हॉल से निकले। पिछले 3 घंटों का वातावरण एकाएक बदल गया। चारों ओर उत्साहपूर्ण बातचीत का कोलाहल भर गया। स्वामी ने एक सहपाठी से पूछा, तुमने सवाल के जवाब में क्या लिखा? कौन सा, शिक्षा वाला? तुम्हें याद नहीं है अध्यापक जी ने कक्षा में क्या बताया था? सोने के लालच में ब्राह्मण की जान गई। सोना वहाँ कहाँ था? वहाँ तो सिर्फ सोने की चूड़ियाँ थीं। तुमने उसका जवाब कितना लंबा दिया? स्वामी ने आपत्ति की। एक प्रश्न, सहपाठी ने उत्तर दिया। थोड़ी देर बाद उसे राजम और शंकर मिले। हाँ भाई, तुम लोगों का पेपर कैसा लगा? स्वामी ने पूछा।
तुम्हें कैसा लगा? शंकर ने पूछा। बुरा नहीं था, स्वामी बोला। तमिल से ही डर लग रहा था, अब लगता है कि मैं बच गया, पास होने लायक नंबर तो मिल ही जाएंगे। राजम ने कहा, अरे तुम लोग जानते हो ना कल से छुट्टी, तो फिर कल क्या करोगे? किसी ने पूछा। शंकर ने कहा, मेरे पिताजी ने छुट्टियों में पढ़ने के लिए कई किताबें खरीदी हैं, जहाजी जिंदाबाद, अली बाबा आदि। मणि हाथ ऊपर उठाकर रोता चिल्लाता हुआ आया, वक्त बहुत ही कम था, वरना मैं आखिरी सवाल को भी उड़ा सकता था। मटर भी कहीं से प्रकट हुआ, उसके बाएं गाल पर स्याही की बड़ी लकीर थी। हेलो शंकर, फर्स्ट डिवीजन? नहीं, मुश्किल से 35 मिलेंगी। 15 मिनट बाद फिर घंटी बजी, सारा स्कूल हॉल में इकट्ठा हो गया। सबके चेहरे पर खुशी थी और बातों से अच्छी दोस्ती झलक थी। अध्यापक जी भी अपनापन दर्शाते हुए खुश लग रहे थे। हेडमास्टर साहब मंच पर आए और शोर के थमने का इंतज़ार करने के बाद उन्होंने छोटा सा भाषण दिया। उन्होंने कहा कि स्कूल जून की 19 तारीख तक बंद रहेगा और 20 जून को खुलेगा। उन्होंने आशा व्यक्त की कि लड़के अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे, कहानियों की किताबें पढ़ते रहेंगे और अगली कक्षा की किताबों पर भी नज़र डालते रहेंगे, क्योंकि वे उम्मीद करते हैं कि सब लड़के अगली कक्षा में जाएंगे। अब 1 मिनट की प्रार्थना होगी और उसके बाद सब लड़के अपने अपने घर जा सकते हैं। प्रार्थना के अंत में जैसे तूफान आ गया, ऊंची आवाज़ों और चिल्लाहटों का झुंड रेले की तरह हॉल से बाहर निकला। इस सारी भगदड़ में स्वामी मणि के साथ लगा रहा। मणि ने स्कूल के गेट पर तेज़ी से काम किया, किसी की कलम छीनी, किसी की दवा और उन्हें तोड़ दिया। उसके आसपास लड़कों की खुशी और उत्तेजना से भरी भीड़ थी। एक एक चीज़ के टूटने पर खूब शोर मचता था। एक दो छोटे बच्चों ने दबे स्वर में विरोध किया, लेकिन मणि ने उनके हाथों से दवातें छीन ली, फिर ढक्कन खोलकर स्याही उन्हीं के कपड़ों पर गिरा दी। इस काम में उसके सहायकों का एक छोटा दल भी था, जिसमें स्वामी प्रमुख था। एक क्षण के उत्साह में आकर उसने अपनी दवात खुद ही अपने सिर पर उलट दी और बहती स्याही से उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए। इसके साथ ही सैकड़ों कंठों से निकले विजय घोष से आसमान गूंज उठा। फिर कुछ और दवातें फोड़ी गईं तथा कुछ कलमें तोड़ी गईं। इस सारे तमाशे के बीच मणि जोर से बोला, कोई सिंगाराम की पगड़ी ले आए, मैं उसे रंग दूंगा। स्कूल का चपरासी सिंगाराम एकमात्र व्यक्ति था जो आज़ादी के इस उत्साह से प्रभावित नहीं था। जैसे ही उसके कानों में भनक पड़ी कि उसकी पगड़ी रंगने की योजना बन रही है, वह डंडा लेकर भीड़ की तरफ दौड़ा और उधम मचाने वालों को भगाकर तितर बितर करने लगा। तो ये आपको कहानी पढ़ा दी है मैंने। कहानी की एक बार अपने आप रीडिंग लगाओगे, रीडिंग लगाने के बाद जो दिए गए प्रश्न उत्तर हैं उनको पढ़ करके समझने का प्रयास करोगे, वर्ड मीनिंग याद करोगे। धन्यवाद।